नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पुंडी टेक में। दोस्तों आज मैं आपके सामने सैमसंग ग्रूम म्यूजिक 2 का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों साथ में जो घंटी है उसे भी दबाना ना भूले ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए दोस्तों अब आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपके सामने सैमसंग ग्रू म्यूजिक 2 का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और साथ में आपके सामने मैं इसका रिव्यू भी करने वाला हूं। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास एक सैमसंग का ग्रू म्यूजिक 2 है। अब मैं दोस्तों आपको सबसे पहले इसके बॉक्स पर दिखा देता हूँ कि हमें इस बॉक्स में क्या क्या एसेसरीज मिलती है। यहाँ पर इसमें एक हमें मोबाइल फोन मिलता है, एक बैटरी और एक ट्रैवल एडोप्टर, एक स्टीरियो हेडसेट और एक यूजर मैनुअल। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें अपना मोबाइल मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सैमसंग ग्रू म्यूजिक 2। अब इसके बॉक्स में हम देखते हैं दोस्तों हमें क्या क्या एसेसरीज के साथ में मिली है। यहाँ पर दोस्तों हमें एक हेडफोन स्टीरियो और एक बैटरी और एक इसी के साथ में दोस्तों एक हमें इसमें ट्रैवल एडोप्टर मिल जाता है। दोस्तों इस मोबाइल की खासियत है सबसे अच्छी वो ये है कि इसकी जो बैटरी है वो काफ़ी अच्छी चलती है। अब दोस्तों हम इसके बॉक्स पर चेक कर लेते हैं कि हमें इसमें और क्या मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों इसमें 5.1 सेंटीमीटर की डिस्प्ले और एक म्यूजिक प्लेयर और एक माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट, एफएम रेडियो और टॉर्च। दोस्तों ये सुविधा हमें इस मोबाइल में मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस मोबाइल में कोई भी कैमरा नहीं दिया हुआ है, और दोस्तों हम इस मोबाइल में नेट भी यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई मल्टीमीडिया सेट नहीं है, इसलिए हम दोस्तों इसमें इंटरनेट भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों इस मोबाइल की बैटरी बहुत ज़्यादा चलती है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि दोस्तों ज़्यादातर यूज़र जो बड़े एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं उनके पास एक छोटा मोबाइल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ समय बाद उस एंड्रॉयड मोबाइल की बैटरी डाउन होने के बाद वो छोटे मोबाइल से ही अपना काम चलाते हैं। दोस्तों अगर आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो आपको लगभग ये 1800 रुपये के आसपास मिल जाएगा। और इसकी दोस्तों आप देखेंगे इसकी जो रेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, और ये सैमसंग का बहुत ही अच्छा कीपैड फ़ोन है। अब मैं दोस्तों आपको इसे अंदर से ओपन करके दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दो सिम के लिए स्लॉट है, यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड लगाया जा सकता है। अब मैं दोस्तों आपको इसे ऑन करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हमारा सैमसंग मोबाइल ऑन हो गया है। दोस्तों अगर आप कोई भी छोटा हैंडसेट खरीदना चाहते हैं जो कि मल्टीमीडिया ना हो, आप इस साइट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, आप इसे परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में दोस्तों जो घंटी है उसे भी दबाना ना भूले ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों।